रुड़के में वैलेंटाइन डे के विरोध में तलवारें लेकर रैली निकालना बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। दरअसल बिना पुलिस की अनुमति लिए बजरंग दल के जिला अध्यक्ष और प्रचार मंत्री ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूरे शहर में लाठी डंडे और तलवार लहराकर रैली निकाली थी। और इतना ही नहीं, रैली निकालने के दौरान दो समुदायों में तनाव और संघर्ष भी हुआ था। पूरा मामला जब पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचा तो उनमें हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रैली में शामिल सफारी गाड़ी को कब्जे में लेते हुए बजरंग दल के 3 पदाधिकारियों समेत 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। के बीच झगड़े की घटना हुई थी दो स्थानों पर, जिस संबंध में सभी संबंधित पक्षों की ओर से तहरीर दी गई और उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही ये जो प्रदर्शन के दौरान हथियारों के प्रदर्शन की बात सामने आई है, इस पर पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जिन जिन लोगों के नाम CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिन जिन लोगों की भूमिका प्रकाश में आएगी, उन सभी संबंधित के विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई अमल में।